जैसे कि दर्शकों को 15 अगस्त के दिन जो ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था जिसमें फर्स्ट प्राइज लिया है शहजीन शोएब शेख ने, तो हम बहुत बहुत इस बच्ची का खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो ये बच्ची ने पार्टिसिपेट किया। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम शहजीन शोएब शेख है जी। अपने स्कूल का नाम बताओ। मेरी स्कूल का नाम राबड़ी फ्रेंड सर्कल उर्दू हाई स्कूल है जी। आपने ये जो पार्टिसिपेट किया ड्राइंग कॉम्पिटिशन के अंदर, तो आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर आपने ड्राइंग बनाया था? लैंडस्केप के ऊपर ड्राइंग बनाई थी, नेचर का था उसके अंदर जी। तो जैसे कि आपको ये प्रेरणा, यानी ये आपको कहाँ से मिला, ये आप जो मोटिवेशन हुए हो कि मैं ड्राइंग अच्छा, आप कंपटीशन हायर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स लोगों का कितने हद तक आपको सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और पेरेंट्स का? पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। देखिए ये बच्ची बहुत कम बात करती है, इसलिए हम इनकी मदर से बात करेंगे। आपकी बच्ची ने जो फर्स्ट प्राइज लिया है तो कंपटीशन के अंदर, तो आप क्या महसूस करती है? बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ही प्राइज लेती है, यानी आप हमारे घर का भी नाम रोशन करती है और हमारे मोहल्ले का भी नाम रोशन करती है। जैसे कि आपकी ये बेटी है और बेटी होने के बाद भी ये इस तरीके से आपको हर कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेके आती है, तो आपको क्या महसूस होता है? बेटी और बेटे होने में कोई फर्क महसूस होता है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सारी बेटियां हैं और ये फर्स्ट नंबर पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट ही आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप और बहुत सी चीज मुहैया होना चाहिए, उसके लिए आप क्या? हाँ, स्कॉलरशिप तो होनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के हिसाब से बच्चों को पढ़ाई के लिए हर चीज के लिए मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता, जो मुस्लिम बच्चियों को भी जो नहीं मिलता है वो मिलना चाहिए और हर बच्चियों को मिलना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है मुस्लिम लोगों को या हिंदू लोगों को, हर लड़कियों को मिलना चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको एक अवगत कराना चाहूंगा कि अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। अगर आप स्कॉलरशिप और किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का ये जो अभियान शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं लड़की बहन योजना और बहुत सी योजनाओं के तहत कम्युनिटी नहीं देखा जाता, वहाँ पर जो भारत का रहवासी है उनको ये सपोर्ट मिलता है। तो आप भी आगे जाएं और अपनी बच्चियों के एजुकेशन के लिए और उनके स्कॉलरशिप के लिए आप निवेदन करें और आपको 100% उसके लिए आपको सहकार्य भी किया जाएगा, आपको सुविधा भी मिलेगी। तो ये पार्टिसिपेट जो जावेद शेख साहब ने रखा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है ऐसा। राबड़ी में हर जो भी मतलब जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने हर बच्चों के लिए मतलब जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चों का प्रोग्रेस बढ़े, बच्चों का प्रोग्रेस भी बढ़े और उनको हिम्मत मिले जी। तो सबसे बड़ी बात जी। तो देखिए किस तरीके से ये शहजीन बच्ची ने फर्स्ट प्राइज लेके आकर यहाँ पर राबड़ी का ही नहीं पूरे थाने का भी नाम रोशन किया और इस पार्टिसिपेट में। और अक्सर हम देखते हैं कि ये बच्ची कहीं ना कहीं तरीके से हर पार्टिसिपेट करती है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो या स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप हो, तो ये बच्ची ने हर जगह अव्वल दर्जे पर इसने अपना मुकाम हासिल किया है और थाने दहशत की टीम इन्हें बड़े दिल के साथ इनका स्वागत करती है और इन्हें ढेर सारी मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी थाने दहशत टीम के साथ में बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पठान जैनब। आपके स्कूल का नाम बताएं। फ्रॉम अलहादी स्कूल जी। जैसे कि अभी ये ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था जिसमें आपको सेकंड नंबर लिया है आपने, तो उसमें आपको क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। तो आपने जो थीम बनाया था तो समाज में आपने क्या संदेश देने की कोशिश की? मेरा थीम था ब्यूटी ऑफ नेचर जी, मतलब तो ब्यूटी की खासियत बताई थी मैंने उसमें, इवनिंग मोमेंट था, तो जिसके लिए आपको सेकंड प्राइज दिया गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बेस्ट ऑफ लक। जाना मैं बेटा खानिफत। हाँ, जो आपको फोर्थ रैंक मिला ना इसके अंदर, तो आपने क्या थीम बनाया था ड्राइंग में? मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर बनाई थी। जी, वापस से रिपीट करें। डेमोक्रेसी के ऊपर बनाई थी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि मतलब ये जो जावेद अंकल ने जो ये रखे हैं ड्राइंग का, जो बच्चे ने नहीं लिए हैं अंदर जो हिस्सा नहीं लिए वो अगली बार से हिस्सा लेने की कोशिश करें, और ये मतलब बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी। और डेमोक्रेसी यानी मैं वोटिंग के ऊपर बनाई थी, अभी जैसे वोटिंग का भी चल रहा था इसलिए वोटिंग के ऊपर मैंने बनाई थी उसके अंदर टॉपिक। आगे बड़े होके क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। डॉक्टर की है। तो ये जो ड्राइंग का जो स्केल है वो आपको फैमिली से मिला या टीचर्स के जरिए? फैमिली से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम के साथ, और जिस तरीके से ये बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया ड्राइंग को लेकर।
आगे भी इसी तरीके से कारदगी करे और बड़े से बड़े प्रोग्राम को अटेंड करे और बड़े से बड़े पार्टिसिपेट के अंदर अपना नाम रोशन करे, अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का और अपने देश का नाम रोशन करे। हमारे इसी तरीके से नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहे। नाम है बेटा? शेख जोया आरिफ। कौन से स्कूल से? राबोड़ी फ्रेंड सर्कल उर्दू हाई। ठीक है, सेकंड प्राइज मिला है आपको इस पार्टिसिपेट के अंदर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी था एक तरफ से कि हम इतना बना रहे तो हमको मिलेगा जरूर, सरप्राइज था एक आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ये सोच के कि हमसे नहीं होगा या फिर थोड़ा सा टफ है, तो ऐसा ना सोचे, हर चीज में पार्टिसिपेट करें। अगर इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। बहुत अच्छे। और एक संदेश देना चाहेंगे कि जो बच्चे आज ड्राइंग कर रहे हैं तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आईएएस ऑफिसर। बहुत अच्छा। और दूसरा, ये जो आपका सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, तो ये पार्टिसिपेट करने के बाद जो दूसरे बच्चे भी आपको मिलेंगे और कांग्रेट्स करेंगे, मुबारकबाद, तो उन बच्चों के लिए आपके पास क्या संदेश है बोलने के लिए? जैसे आपने किस थीम पे काम किया, जैसे सेव द वाटर, सेव द ट्री है ना, और ड्रग्स के ऊपर, तो आपने कौन से कॉन्सेप्ट पे काम किया? ड्रग्स के ऊपर, से नो टू ड्रग्स। आप क्या देना चाहोगे पूरे भारतवर्ष को संदेश? से नो टू ड्रग्स ऑफ कोर्स, क्योंकि ड्रग्स का बहुत ही स्मगलिंग वगैरह का बहुत काम हो रहा है अपने इंडिया में, तो वो ना करे तो बेहतर है, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, वो अभी हॉस्पिटल में है, तो एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लाइक ड्रग्स को सही में बंद करना चाहिए। ये आपकी तरफ से एक सरकार को संदेश है। हमारे चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आगे ये चीज फॉरवर्ड हो और इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार एक संज्ञान ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुरैन रहीम पिंजारी है और मेरे स्कूल का नाम राबोड़ी फ्रेंड सर्कल उर्दू हाई स्कूल है, और मेरे को ड्राइंग में 3rd प्राइज मिला है, जो कि कांग्रेस की तरफ से था ये कॉम्पिटिशन, उसमें मेरे को 3rd प्राइज मिला है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं मेरे स्कूल के टीचर्स को थैंक यू बोलूँगी और नसीब सर को बोलूँगी थैंक यू, हमारे प्रिंसिपल जो है उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ों में, हम लोग को आगे बढ़ाने मतलब बढ़ावा देते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें कुछ ना कुछ तो उनका नाम भी रोशन करते हैं, हमारे पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हैं। ये मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी से भी हम बात करना चाहेंगे कि आज बच्चा जो कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सुबह आप उठते नहीं हो, उनको उठाने के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। आपको क्या लगता है आपकी बच्ची आगे चल के क्या करना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अच्छे से अच्छा ही बच्चे के लिए देखना, फ्यूचर देखना कि चाहेंगे, बट इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का एहसान है कि बच्चे यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हमारा, हमारे मजहब का, हमारे स्कूलों का नाम रोशन हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और क्या कहना चाहेंगी जो माँ बाप अपने बच्चों पे अगर नहीं सबसे पहला तो हम माँ बाप को ही कोशिश करनी है हमारे बच्चों को, हम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे इस जगह पर आके खड़े रह कर हम नहीं बोल पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं बोल पाएंगे, आज हमारे बच्चे बोलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टीम से बात करने के लिए। क्या बोलना चाहेंगे? और अगर हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा करें तो हमको उनका भरोसा रख के, भरोसा तोड़ना नहीं है, उनका भरोसा रख के हमें अच्छे से अच्छे कामयाब होना है और उनका नाम रोशन करना है हमें, उनका भरोसा रख के। बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली की, तो इसी तरीके से हमारे नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहे। हम लोग दोनों को साथ में प्राइज मिला है 3rd प्राइज, तो हम लोग बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दर्शकों, इसी तरीके से तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।